हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेमोरियल प्रिपरेशन। तो कल हमने पढ़ लिया था कंजप्शन यूज क्या होती है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंजप्शन गुड्स होती है वो कितनी प्रकार की हो सकती है, कोई भी चीज। हम गुड्स को कह सकते हैं प्रोडक्ट, पंजाबी में कहेंगे उसको वस्तु। ठीक है, तो गुड्स को हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी एक फिजिकल चीज जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स को हम कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको हम कितनी देर तक कंजप्शन कर सकते हैं। एक होती है गुड्स, दो तरह की गुड्स होती है हमारी, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो कि थोड़े समय तक के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाय, चीनी, आटा और भी कुछ। ठीक है, ते जो अपनी दूसरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गई वो लंबे लंबे समय तक चलती है, जैसे कि कोई फोन हो गया, सेल फोन हो गया, कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग नहीं फैन हो गए, कूलर हो गया, एसी हो गया। ये ऐसे गुड्स हैं जो लंबे समय तक चलती है। तो गुड्स हमारे एक्चुअल दो टाइप्स की होती है, एक होती है ड्यूरेबल गुड्स, एक होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि थोड़े समय तक चलती हैं, जो जिसको हम कंजप्शन कर लेते हैं और वो उसी वक्त खत्म हो जाती हैं। पर जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं, जैसे कि आपको बताई दिया, जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, पर इनकी वैल्यू, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा उनकी वैल्यू भी कम होती रहेगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है। जैसे कि आपने एक फोन खरीदा, 10,000 का फोन खरीदा, तो आप उसको 2 साल बाद, आपने 2 साल यूज किया, आप 2 साल बाद सोचोगे कि वही फोन मैं 10,000 का यूज दू, नहीं, 10,000 का नहीं बिकेगा वो फोन पे डेप्रिसिएशन लग के कुछ अमाउंट उसकी कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स भी वही गुड्स हो सकती है, जैसे कि देखो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल में आती है जो कि शॉर्ट टर्म तक चलती है हमारे पास गुड्स, जैसे चाय, चीनी, ते जो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल होती है वो लंबे समय तक चलती है। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो कैपिटल गुड्स का ही एक पार्ट है। कैपिटल गुड्स का भी यही मतलब होता है कि जो लंबे समय तक चले गुड्स। ठीक है ना, ये भी दो तरह की होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। जो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगी कैपिटल वाली, ये तो होगी जैसे कि हमारी कंपनी की कोई करंट एसेट होती है, समझते हो करंट एसेट। करंट एसेट का वो एसेट जो हमारे शॉर्ट टर्म, जैसे कि करंट का मतलब क्या होता है, चुटकियों में, करंट मतलब चुटकियों में। और जो हमारे एसिड हो गए, एसिड क्या हो गए, एसिड कोई भी चीज जो कंपनी के पास पड़ी होती है, करंट एसिड हो गए, नॉन करंट एसिड हो गए। ठीक है, करंट एसिड का वो, करंट एसिड वो होते हैं देखो जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेब्टर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, किसी को हमने शॉर्ट टर्म लोन दिया था उससे हम वापस ले सकते हैं पैसे, वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। ठीक है ना, पर जो नॉन करंट एसेट्स होती है वो लंबे समय तक होती है, जैसे कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, पे कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, तो जो हमारी ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स होती है वो तो हो गई हमारी करंट एसेट्स। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, उस नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स उसको हम कह सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होगी जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं। और जो ड्यूरेबल गुड्स हो गई जो शॉर्ट टर्म वाली होती है, करंट एसेट जैसे डेब्टर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, इनको हम इजीली मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जो नॉन ड्यूरेबल होगी उनमें थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि देखो अगर हमने एक बार खर्चा कर दिया है बिल्डिंग पे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो आज मैंने बिल्डिंग खरीद ली, अब 2 दिन बाद मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार मैं बिल्डिंग नहीं, मैं कुछ और खरीदना चाहता हूँ, तो मैं उसको बेच दूँ, उस पर आपका ही नुकसान होगा। समझे, ठीक है, पता है मुझे आपको समझ आ रही होगी। तो अगला कंसेप्ट है हमारा कंजप्शन गुड्स और फाइनल गुड्स। कंजप्शन गुड्स हो गई जिसको हम यूज कर रहे हैं, फाइनल गुड्स हो गई जो तैयार है हमारे सामने,
कि हाँ अभी कंसेप्शन होने को रेडी है, वो गुड्स होती है फाइनल गुड्स। ठीक है, तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा, जिसको तो समझ आ गया वो लाइक कर दे, जिसको नहीं समझ आया है वो एक बार समझने की कोशिश करे। मुझे पता है कि आप समझ जाओगे, आप कर सकते हो। कीप इट, सो बाय।